तो हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस फिर से एक और वीडियो के साथ। तो गाइस आप देख सकते हो आज क्या होने वाला है। तो यस गाइस, इधर पे अपना कॉस्मिक पेगासस और इधर पे है गाइस 20 गजब के बेब्लेड। तो यस गाइस, कॉस्मिक पेगासस का इन 20 बेब्लेड से बैटल करेंगे। देखेंगे गाइस कॉस्मिक पेगासस कितने बेब्लेड्स को हरा पाता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस कम से कम 13-14 बेब्लेड्स को तो हरा ही देना चाहिए, मिनिमम 14 बेब्लेड्स मान के चलते हैं। तो गाइस देखते हैं कि क्या कॉस्मिक पेगासस आज 14 बेब्लेड्स को हरा पाएगा या नहीं। तो यस गाइस, अगर आप नए हो तो मारो फटाक से सब्सक्राइब, बिकॉज ये अमेजिंग वीडियोस मैं लाता हूँ डेली आपके लिए। और गाइस कॉस्मिक पेगासस आपको पता है बहुत ज्यादा जबरदस्त बेब्लेड है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कॉस्मिक पेगासस पसंद है और या ये जो 20 बेब्लेड्स रखे हैं ये। और गाइस आपको क्या लगता है कॉस्मिक पेगासस इसमें से कितने बेब्लेड्स को हरा देगा, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो यस गाइस, सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर और कमेंट वो भी सब देख लेना, ठीक है। अब क्या करते हैं, बिना किसी देरी के लाते हैं स्टेडियम और बैटल स्टार्ट करते हैं। देखते हैं गाइस कॉस्मिक पेगासस कैसा परफॉर्म करता है। तो गाइस अपना स्टेडियम सेटअप हो गया है और हम बैटल के लिए तैयार हैं। तो चलो बिना किसी देरी के गाइस स्टार्ट करते हैं बैटल। तो गाइस पहली बैटल करते हैं लीब्रा के कस्टम कॉम्बो के साथ। T125 एस टिप लगी हुई है इसमें, चलो देखते हैं इसको हरा पाएगा कि नहीं। ये क्या गाइस, लीब्रा बारी है कॉस्मिक की और मुझे लग रहा है गाइस लीब्रा की तो बैट बजने वाली है क्योंकि वेट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और ये थोड़ा सा FD एक्टिवेट हो गई है, ये कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और पहला विन विदाउट अ डाउट गाइस, कॉस्मिक का पावर पहले बेबलेट को गाइस हरा दिया है, क्या बात है, इधर ही रख लेते हैं हम लोग। और गाइस अब नेक्स्ट बेबलेट लाते हैं रेगिल, रेगिल के अगेंस्ट गाइस देखते हैं। ये क्या गाइस रेगिल, अब बार ये गाइस कॉस्मिक की, ये क्या कॉस्मिक, और क्या बात है, एक और गजब का विन। तो गाइस कॉस्मिक का पावर हल्के बेवलेट पे गजब ही दिखता है, क्या ही बोलना है। तो चलो गाइस नेक्स्ट बेवलेट लाते हैं अपना ये टॉर्नेडो और सो का कॉम्बो, देखते हैं इसको हरा पाएगा कि नहीं। अच्छा कॉम्बो है भाई देवे, ये क्या कॉस्मिक, कमान कॉस्मिक, दो विन्स गाइस अभी तक, विक्ट्री काफी अच्छी लग रही है। देखते हैं ये बैच कॉस्मिक जीत पाएगा कि नहीं, जीतना चाहिए वैसे लगता तो है, लेकिन स्टैमिना बैटल बन रहा है, थोड़ा डर भी लगने लग जाता है यार। और आसान सी जीत, 3 विंस, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक, काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है गाइस। तो गाइस एक और कस्टम कॉम्बो आता है अपना ये रॉक कैप्रिकॉन करके, चलो देखते हैं ये क्या, आप कॉस्मिक की बारी गाइस, ओ भाई क्या खतरनाक अटैक दिया गाइस कॉस्मिक ने, एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा अटैक देगा। तो एक और विन, क्या बात है, बहुत अच्छा स्कोर है गाइस। अब गाइस लाइटनिंग एल ड्रैगो से करते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ कॉस्मिक को ही लॉन्च कर देता हूँ, ठीक है। अब लाइटनिंग एल ड्रैगो को गाइस करते हैं, इससे पहले FD एक्टिवेट हो जाए। अरे भाई अरे गाइस, मुझे तो लगा था लाइटनिंग एल ड्रैगो कहीं बाहर ना करता, स्पिन स्टील खतरनाक कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है स्पिन स्टील से लाइटनिंग एल ड्रैगो हरा देगा कॉस्मिक को, ऐसा लग रहा है पता नहीं। लेकिन फिर भी स्पिन स्टील करने के बावजूद भी गाइस कॉस्मिक जीत गया। तो कॉस्मिक अच्छा कर रहा है यार, इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो रहा है ये। कोई नहीं, सीटस से करते हैं गाइस। ये क्या सीटस, बारी गाइस कॉस्मिक की, अभी तक तो FD एक्टिवेट नहीं हुई है। 5 विंस हो गए गाइस, 15 बैटल बकाया है। वैसे मुझे नहीं लगता गाइस ये 20 के 20 बैटल जीत पाएगा कॉस्मिक, और कोई नहीं देखते हैं, क्योंकि देखो हर टाइप का इसमें गाइस चैलेंजिंग वेवलेट है, हर टाइप का वेवलेट हमने डाला हुआ है, हल्का भारी हर टाइप का, तो कुछ कह भी नहीं सकते। चलो अब एक 0G आ जाता है गाइस, ओरोशी है शायद ये, देख लेते हैं। ओ भाई इतना वेट डिफरेंस, एक और विन, क्या बात है गाइस क्या बात है, कॉस्मिक ओपी इन द चैट गाइस। अब गाइस लाते हैं अर्थ पेगासस का कॉम्बो है अपना T125D के साथ, देखते हैं अर्थ पेगासस को हरा पाएगा कि नहीं। ये क्या अब गाइस बारी है कॉस्मिक की,
इससे जीतना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है यहाँ पे, लेकिन अच्छा अटैक, फिर भी बाहर नहीं कर पाया भाई। ये कॉम्बो सच में अच्छा है अर्थ पेगासस T125D, और मैंने देखा ये कॉम्बो T125D अर्थ के साथ बहुत लोग यूज़ करते हैं। पहला लॉस गाइस हो गया है, तो यस सारे बेबलेट्स को तो देखो नहीं हरा पाएगा, क्योंकि अब टफ बेबलेट आने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा। चलो अगला बेबलेट गाइस आते हैं, करबैक्स 145S। ये गया गाइस, अब बारी कॉस्मिक की। स्टेमिना वाला करबैक्स गाइस मुझे लग रहा हरा देगा। 7 मैचेस जीता गाइस अभी कॉस्मिक, कम से कम 7 और जीते, और सैडली लॉस हो गया एक और, 2 लॉसेस। अब थोड़ा सा मामला गड़बड़ लग रहा है मुझे। अगला बैटल गाइस मीटियो एल्ड्रैगो से करेंगे, तो मैं पहले कॉस्मिक को लॉन्च कर देता हूँ, क्योंकि मीटियो ऑब्वियसली अटैक टाइप होने वाला है काफ़ी ज़्यादा। ये क्या गाइस मीटियो, ओ भाई, अरे मीटियो एल्ड्रैगो ने गाइस नॉकआउट कर दिया कॉस्मिक को। ये क्या हो रहा है, 3 लॉसेस यार, अब तो बहुत गलत जा रहा है मामला। कोई नहीं गाइस, कॉस्मिक जीतेगा भरोसा रखते हैं। अगला बैटल गाइस ग्रेविटी डिस्ट्रॉय के साथ करते हैं। ये क्या गाइस ग्रेविटी, अब बारी है कॉस्मिक की, और बड़ा ही आसान सा विन, क्या बात है, एक और विन एड हो गया। अब गाइस डिवाइन क्राउन से करते हैं नेक्स्ट बैटल। ये क्या क्राउन गाइस, अब बारी कॉस्मिक की। अरे भाई क्या खतरनाक अटैक था, फिलहाल एक और विन, काफ़ी अच्छी बात है। अब गाइस लाते हैं फैंग लियोन। ये क्या गाइस फैंग लियोन, अब बारी है गाइस कॉस्मिक की। देखते हैं फैंग लियोन को हरा पाएगा गाइस, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, बट इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्लो कर तो दिया है फैंग लियोन को। और क्या बात है, एक विन मिला। अब गाइस लाते हैं वैरियरिस। वैरियरिस को हराना आसान नहीं होगा डेफिनेटली, वैरियरिस पावरफुल है यार काफ़ी। अरे भाई वैरियरिस को भी नॉकआउट कर दिया गाइस, क्या बात है, एक और विन मिला कॉस्मिक को। अब गाइस लाते हैं अर्थ ईगल, देखते हैं इसको हरा पाएगा कि नहीं। तो गाइस ये गया अर्थ ईगल, अब बारी है गाइस कॉस्मिक की। देखते हैं यहाँ पे गाइस क्या होता है। अर्थिकल को मुझे लगता नहीं गाइस ये हरा पाएगा, अर्थिकल बहुत स्ट्रांग है, तो शायद एक और लॉस हो जाए कॉस्मिक को यहाँ पे। अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट हाँ लॉस हो गया है, क्योंकि अर्थिकल यार मुझे भी काफ़ी पसंद है, तो मुझे भरोसा था अर्थिकल जीतेगा। चलो गाइस अगला लाते हैं एल्ड्रैगो डिस्ट्रॉय। ये थोड़ा सा अलग सा बैटल होने वाला है, क्योंकि एल्ड्रैगो डिस्ट्रॉय है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। चलो करते हैं गाइस। ये गया कॉस्मिक गाइस, अब बारी है एल्ड्रैगो डिस्ट्रॉय की। पैटर्न थोड़ा सा बिगड़ गया एल्ड्रैगो डिस्ट्रॉय का, बट कोई नहीं, देखते हैं। स्पिन स्टील तो वैसे भी करने वाला है। और ये स्पिन स्टील वाला बैटल बन रहा है, और कॉस्मिक जीत गया, क्या बात है गाइस, एक और विन, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। अब गाइस लाते हैं स्काइथ क्रोनोस का कस्टम कॉम्बो। ये क्या गाइस स्काइथ क्रोनोस का कस्टम कॉम्बो, बारी गाइस कॉस्मिक की। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओहो, क्या डिसबैलेंस करके बाहर कर दिया, धोखे से जीता है गाइस, बट जीत होती है। अगला गाइस क्रीज किगनेस ट्राई करते हैं, देखते हैं हरा पाएगा इसको कि नहीं। ये क्या किगनेस, अब बारी है कॉस्मिक की। जीत सकता है गाइस, देखते हैं क्या जीत पाएगा, क्योंकि पागल हो गया अभी यहाँ पे कॉस्मिक, और मुझे यहाँ पे जीतने के चांसेस कम लग रहे हैं कॉस्मिक के, जाने क्यों। कम ऑन कॉस्मिक, और सैडली गाइस किग्नस काफ़ी डिफेंसिव है, 5 लॉसेस हो गए, एक और लॉस हो गया तो भाई मैं डिसअपॉइंट होने वाला हूँ। ये गया गाइस ब्लिट्स, अब बारी है गाइस कॉस्मिक किया गया कॉस्मिक। चलो देखते हैं क्या होता है इधर पे। तगड़ा अटैक गाइस,
और ब्लिस स्ट्राइकर को भी हरा दिया। क्या बात है गाइस, क्या बात है। तो गाइस 14 मैचेस तो देखो ये जीत चुका है, लास्ट मैच बचा है, देखते हैं 15th मैच जीत पाएगा कि नहीं। और ये भी एक कॉस्मिक ही है बट इसमें W105R2F लगा रखा है, तो ऑब्वियसली पागलपन भरपूर होने वाला है। चलो देखते हैं गाइस ये क्या पागल कॉस्मिक हरा पाएगा स्टॉक वाले को। अब तो दोनों ही पागल हो गए हैं भाई। दबे अब मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि कोई भी जीत सकता है। बाय द वे मैच जबरदस्त था। और गाइस आपको स्टॉक कॉस्मिक वर्सेस W105 का डिटेल बैटल देखना हो तो बताना कमेंट सेक्शन में। अरे भाई हरा दिया। तो गाइस एक्चुअली क्या है ना, इसका थोड़ा सा घिस गया ना तो स्टैमिना भी अच्छा दे रहा है और अटैक तो पावरफुल देता ही है। तो अगर आप इसका गाइस डिटेल बैटल इसके अगेंस्ट देखना चाहते हो तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे लगता है गाइस FD से अच्छा अगर आप ये लगाओ तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो यस गाइस अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आप अपने थॉट्स को बताना कमेंट सेक्शन में कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी वीडियो में फिर किसी दिन। तब तक के लिए गाइस स्टे सेफ और हैप्पी ब्लेडिंग।